नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी। 1 बजे तक मध्य प्रदेश में 31 और मिजोरम में 49% मतदान की खबर। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नागौर में रैली को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में बडगाम जिले के छतरगाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में शामिल लश्कर ए तैयबा का सरगना नवीद जट्ट ढेर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरसिमरत कौर बादल पाकिस्तान के नारोवाल में डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब गलियारे के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, करतारपुर गलियारे के शिलान्यास और पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आज गोवा में रंगारंग समारोह में समापन होगा। और विश्व हॉकी प्रतियोगिता में आज भुवनेश्वर में पहले मैच में बेल्जियम का मुकाबला कनाडा से और भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मिजोरम और मध्य प्रदेश चुनाव के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोपहर 1 बजे तक लगभग 31% मतदान की खबर है। मध्य प्रदेश में इस समय लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर लोगों में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग वोटर भी किसी से पीछे नहीं है। इसी तरह चुनाव आयोग द्वारा घर से घर तक पहुंचाने की सुविधा और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के सहयोग से दिव्यांग मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह मतदान की शुरुआत में 100 से अधिक पोलिंग बूथों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आने की जानकारी मिली थी। हालांकि बाद में इसे सुधार दिया गया और तब से अब मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आज सवेरे 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 65,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 250 महिलाओं सहित 2,899 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5,04,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 40 सदस्यों की मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए शुरुआती 6 घंटों में दोपहर 1 बजे तक 49% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आशीष कुंद्रा ने ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष कुंद्रा ने बताया कि कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद उन्हें बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि लोंगतलाई, लुंगलेई और मिजोरम बांग्लादेश त्रिपुरा सीमा पर स्थित लगभग 10 मतदान केंद्रों तक मोटर वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता है। 2013 के 142 उम्मीदवारों के मुकाबले इस बार के चुनाव में कुल 209 उम्मीदवार मैदान में हैं। आईजोल से आइरीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। मतदान केंद्रों के बाहर विभिन्न आयु वर्गों के बहुत से मतदाता कतारों में खड़े नजर आए। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री लालथन हावला और पूर्व मुख्यमंत्री तथा एमएनएफ अध्यक्ष जोराम थांगा ने आइजोल में वोट डाले। विशेष मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए त्रिपुरा के राहत शिविरों से बड़ी संख्या में ब्रू मतदाता आज सवेरे से ही मामित जिले में कानमुन पहुंचने लगे। इन मतदाताओं के लिए वहां 15 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में युवाओं सहित सभी मतदाताओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता पार्टी उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं का समर्थन जुटाने में लगे हैं। नागौर में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे अपने काम के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे के साथ वोट मांग रही है। विकास करने के लिए सुविधा नहीं उपलब्ध कराएंगे तो हमारा ये समाज पूर्ण रूप से स्वस्थता से विकास नहीं कर सकता है। हम लोगों का एक ही मंत्र रहता है, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं है, एक सपना है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का कल्याण हो।
कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी चार पीढ़ियां जनता से नहीं जुड़ पाई वे आम लोगों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। श्री मोदी ने बताया कि उनके शासनकाल में देशभर के जरूरतमंद और गरीब लोगों को 1,25,00,000 नए मकान दिए गए हैं, जिनमें से 7,00,000 मकान राजस्थान में बनाए गए हैं। राज्य में वसुंधरा सरकार को एक और मौका देने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, अब आपको आपकी वोट की ताकत का पता चला। हम ये गलती न करें कि हम कोई एमएलए के लिए वोट दे रहे हैं, हम किसी सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं राजस्थान बनाने के लिए, हम वोट दे रहे हैं राजस्थान के लोगों का भला कर रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वे आज 7 जगह रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राज बब्बर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी राज्य के विभिन्न इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विभिन्न स्थानों पर प्रचार कर रहे हैं। टीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव ने जुक्कल, बांसवाड़ा और नारायणखेद में आज चुनाव प्रचार किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। यार श्याम, तुम्हारे मोहल्ले में कचरे का ढेर कैसे साफ हुआ? ये सब तो स्वच्छता ऐप की वजह से हुआ है। स्वच्छता ऐप? हाँ भाई, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का स्वच्छता ऐप फोन में डाउनलोड करो। इसमें शहर की स्वच्छता से संबंधित सारी शिकायतें दर्ज हो सकती हैं। हमें बस एक फोटो खींच के अपलोड करनी है और ऐप में लोकेशन अपने आप आ जाएगी, जिसे नगर निगम में भेजा जाएगा और फिर वहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर को जांच पड़ताल के लिए भेजा जाएगा और इसका समाधान तुरंत किया जाएगा। समझे बंधु? अरे ये तो बढ़िया है, मैं भी अभी डाउनलोड करता हूँ स्वच्छता ऐप। आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बडगाम जिले के छतरगाम इलाके में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में लश्करे तैयबा का सरगना नवीद जट्ट सहित 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों में से नवीद भी एक था। इस अभियान में सेना के 3 जवान भी घायल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरसिमरत कौर बादल आज डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब गलियारे के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। श्री पुरी ने कहा, आई फील ग्रेटली प्रिविलेज। इस तीर्थ यात्रा के कार्य को सफल बनाने का अवसर मिलने पर मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रही है। सिख समुदाय की ये बहुत पुरानी मांग थी। जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे उस समय भी हमारी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। समारोह आज लाहौर से करीब 120 किलोमीटर दूर नारोवाल में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को पंजाब में गुरदासपुर जिले के मान गांव में पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे की आधारशिला रखी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि करतारपुर गलियारे की पहल का पाकिस्तान के साथ संवाद की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। श्रीमती स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान जब भारत में आतंकी गतिविधियां रोकेगा तभी बातचीत शुरू हो सकती है। श्रीमती स्वराज ने भारत के इस रुख को दोहराया कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। See, bilateral dialogue and Kartarpur corridor have two differences. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. The moment Pakistan stops terrorist activities in India, the dialogue can start. श्रीमती स्वराज ने कहा कि साक शिखर बैठक के लिए पाकिस्तान के निमंत्रण को भारत स्वीकार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक भारत में आतंकी गतिविधियों को नहीं रोकता तब तक उसके साथ संवाद नहीं हो सकता, इसलिए भारत साक शिखर बैठक में भाग नहीं लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स रवाना होंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय है निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मेलन के पहले सत्र में जनहित सर्वोपरि विषय पर चर्चा की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभाव, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कौशल भारत, डिजिटल इंडिया और वस्तु एवं सेवा कर सहित कई विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में शामिल होने के लिए भी पुरजोर आवाज उठाएंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत ऐसे परिस्थित बहुराष्ट्रवाद की आवश्यकता पर बल देगा जो समसामयिक वास्तविकता को व्यक्त कर सके और विश्व के कल्याण के लिए सामूहिक कार्रवाई को कारगर ढंग से मजबूती प्रदान कर सके। श्री मोदी ने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों और वित्तीय आतंक पैदा करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और ब्रिक्स प्रमुखों से भी मिलेंगे। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अमरीका ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 49वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव आज गोवा में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तिलई गांव में आज शाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसका समापन होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस और गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। जाने माने पटकथा लेखक सलीम खान को सिनेमा में उनके योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 9 दिन तक चले इस समारोह में 67 देशों की 222 फिल्में दिखाई गयी। इस वर्ष इसराइल को विशेष देश और झारखण्ड को विशेष राज्य के रूप में शामिल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब इफी में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया हो। इसराइल के जाने माने फिल्म निर्माता डैन वुलमैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अशोक शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोवा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से बिहार के 16 आश्रय गृहों में लड़के और लड़कियों के शारीरिक और यौन शोषण के आरोपों की जांच करने को कहा है। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच पहले ही सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाल देखभाल संस्थाओं में रह रहे बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। इन खेलों में 18 राज्यों के 600 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने बच्चों को खेल भावना की शपथ दिलाई। श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बच्चों के सुरक्षित भविष्य और विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। 14वें हॉकी विश्वकप टूर्नामेंट के मुकाबले आज से भुवनेश्वर में शुरू हो रहे हैं। पहले मैच में आज शाम 5 बजे बेल्जियम का सामना कनाडा से होगा। दूसरा मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शाम 7 बजे से होगा। लंदन में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले का फैसला आज टाईब्रेकर गेम से होगा। वर्तमान चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और अमेरिका के चैलेंजर फेडियानो कारुआना के बीच 4 गेम्स का रैपिड मुकाबला खेला जाएगा। भारत के अत्याधुनिक पृथ्वी निगरानी उपग्रह हाइसिस के साथ पीएसएलवी C-43 रॉकेट के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज सवेरे 5:58 पर शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र पर उल्टी गिनती सुचारू रूप से चल रही है। प्रक्षेपण कल सवेरे 9:58 पर श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी है। 1 बजे तक मध्य प्रदेश में 31 और मिजोरम में 49% मतदान की खबर है। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नागौर में रैली को संबोधित किया है। जम्मू कश्मीर में बडगाम जिले के छतरगाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में शामिल लश्करे तैयबा का सरगना नवीद जट्ट ढेर हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरसिमरत कौर बादल पाकिस्तान के नारोवाल में डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब गलियारे के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि करतारपुर गलियारे के शिलान्यास और पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आज गोवा में रंगारंग समारोह में समापन होगा और विश्व हॉकी प्रतियोगिता में आज भुवनेश्वर में पहले मैच में बेल्जियम का मुकाबला कनाडा से और भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।